सूबे में बाल शिशु मृत्यु दर में सुधार लाने के लिए हरियाणा सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही कुपोषण को दूर करने के लिए फूड फोर्टिफाइड योजना पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पंचकुला में राज्य स्तरीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं को अपग्रेड करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके चलते लोगों को निशुल्क या नाम मात्र के शुल्क पर उच्च स्तरीय चिकित्सा मुहैया करवाई जा रही है। इससे गरीब से गरीब लोगों का उपचार सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। अस्पतालों में रोगियों की संख्या में इजाफा इस बात को तस्दीक कर रही है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 5 नवजात शिशु सुरक्षा एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी एम्बुलेंस प्रदेश के सभी मंडलों में अपनी सेवाएं देंगी। इन एम्बुलेंस की सहायता से नवजातों को उपचार के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त विभाग के पास 60 एम्बुलेंस काम कर रही है। ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आज आरंभ किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो हमारी डिपार्टमेंट की तवज्जो है, हम चाहते हैं कि जो नवजात शिशु मृत्यु दर है उसको नीचे लाया जा सके और जो हमारी IMR है, MMR है, जननी जो है उनकी भी जो होती है, तो उसके लिए ये सारा हम प्लान कर रहे हैं। आज हर डिवीज़न के लिए एक एक वेल इक्विप्ड, जिसमें इनक्यूबेटर भी है, वेंटिलेटर भी है, बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीमारी की अवस्था में कैरी करने के लिए ये एम्बुलेंसेज हमने आज लॉन्च की हैं, जो कि लगभग 32 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस है। और अभी हम ये सिर्फ 5 लॉन्च की हैं, इसके बाद ये सफल होने पर हम हर ज़िले में इसको लॉन्च करेंगे। इनके साथ स्टाफ दिया जा रहा है और ये एम्बुलेंसेज में पूरा स्टाफ होगा और ये जो हमारा सेंट्रल सिस्टम है एम्बुलेंसेज प्रोवाइड करने का, वहीं से ये सारा मॉनिटर होगा। GPS इसमें लगा हुआ होता है और पूरा कंट्रोल है। न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी रेट कितना है इस टाइम हरियाणा का और कितना लाइन है? 36 से 33 पर आ गया है ये IMR जो है। MMR जो है वो 127 है। तो हमारा तो टारगेट ये है कि इसको एक पर ले आए, जितने हम कोशिश करें कि इसको एक बार हम ले आएँ। उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए इम्यूनाइजेशन के भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं और बच्चा जब माँ के पेट में है तभी से हम उसकी केयर करनी शुरू करते हैं, और ताकि ये हमारी IMR और MMR बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। और हमारी सरकार बनने के बाद ये नीचे आई भी है। ये जब हमारी सरकार बनी तो ये 41 थी, अब 41 से हम 33 पर आ गए। ये नॉर्थ इंडिया में पहला एम्बुलेंस सिस्टम है जो लॉन्च किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने उच्च जोखिम गर्भावस्थीय पोर्टल और नवजात बच्चों की सेहत की सुरक्षा के लिए हरियाणा न्यूबॉर्न एक्शन प्लान बुकलेट का भी शुभारंभ किया। इस बुकलेट में नवजात बच्चों के उपचार हेतु प्रोटोकॉल का वर्णन है। अनिल विज ने सूबे में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधा के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान स्वास्थ्य पैरामीटर्स में अप्रत्याशित सुधार दर्ज किया गया है। सरकार हर एक नागरिक की सेहत में सुधार के लिए फिक्रमंद है। कार्यक्रम के दौरान अनिल विज ने फोर्टिस अस्पताल मोहाली, आर्मिटिस अस्पताल गुरुग्राम और नारायण हृदयालय जयपुर के डॉक्टरों को सम्मानित करते हुए बेहतर कार्य करने वाले 9 डॉक्टरों को भी प्रशंसा पत्र दिया।